गुड। हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब्स ट्यूटोरियल सीरीज। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। जैसे कि यहाँ पे कंटेंट में दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम एंड डिफॉर्मेशन शेप। इसके अलावा जो इसमें नहीं दिया हुआ है वो है आपका टॉर्जन और एक्सियल फोर्स और डिफ्लेक्शन। तो ये सारे रिजल्ट कैसे देखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मॉडल बना लिया, एनालाइज कर लिया है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स चेक करने हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक मॉडल बना हुआ है, ये रहा डिफॉल्ट ग्रिड पे मैंने कॉलम और बीम जो डिफॉल्ट दिए हुए वो हमने ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये एनालिसिस का बटन हो चुका है, मैं बता चुका हूँ। जैसे ये देखिए लॉक अनलॉक है, ये अनलॉक का मतलब है अभी एनालिसिस नहीं हुआ है और हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। और जब हम इस पर क्लिक कर देंगे, एनालिसिस कर देंगे, तो उसके बाद ये लॉक लग जाएगा और हम कुछ भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए हमें लॉक अनलॉक करना होगा। ओके, जैसे ही मैंने एनालिसिस किया, देखिए दो चीज़ नहीं आई है यहाँ पे। एक तो ये लॉक हो गया है, ऊपर से यहाँ पे जो 3D बिल्डिंग है हमारी, 3D व्यू है, वो थोड़ी डिफॉर्म शेप हो गई। और एक चीज़ हो रहा है, एनिमेशन, स्टार्ट एनिमेशन। पहले हम स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करके देखते हैं होता क्या है। देखिए जो डिफॉर्मेशन शेप है हमारी, वो एनिमेट होके दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफॉर्मेशन शेप है क्या। ड्यू टू एक्सटर्नल लोड हमारे बीम कॉलम कैसे डिफॉर्म होंगे वो ये शेप है। ठीक है, अभी इस पर जो डिफॉल्ट मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ई टैब ऑटोमेटिकली सेल्फेट ले लेता है, तो मैंने कोई लोड नहीं लगाया। जो डिफॉर्मेशन है हमारा सेल्फेट की वजह से है। तो डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो डिफॉर्मेशन के ऑप्शंस के लिए प्रॉपर्टी आइकन ये है, F6 से भी आप आस इसको प्रेस कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और ये आ गई। तो यहाँ पे देखिए केस दिया हुआ है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड। किस लोड की वजह से आप डिफ्लेक्शन चेक करना चाहते हैं, सॉरी डिफॉर्मेशन शेप, या फिर आप चाहते हैं कॉम्बिनेशन की वजह से हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने कोई कॉम्बिनेशन बनाया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लॉक है। या हम मोड की बात करेंगे, सिज्मिक की बारे में, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम केस और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक और यूजर डिफाइंड। ऑटोमेटिक क्या है, देखिए डिफॉर्मेशन शेप तो दिखा रहा है इट है, पर ये डिफॉर्म कितना हो रहा है, कि एक्चुअल उतना ही डिफॉर्म हो रहा है जितना होना चाहिए, या कुछ स्केल बढ़ाया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ बात करते हैं यूज़र डिफाइन पे। यूज़र डिफाइन पे दिया हुआ है स्केल फैक्टर 6000 लिया हुआ है, यानी कि सेल्फ फिट की वजह से जो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आया वो इतना कम है कि हम उसे आंखों से देख नहीं सकते। तो डिफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए स्केल बढ़ाया हुआ है। अगर मैं 1 कर देता हूँ, 1 का मतलब होता है एक्चुअल कितना डिफॉर्म हो गए। अप्लाई करता हूँ तो देखिए पता भी नहीं चल रहा है, देख भी नहीं पा रहे, पर अगर हम यहाँ पे माउस ले आते हैं तो हमें वैल्यू पता चलती है डिफॉर्मेशन की। ठीक है, तो मैं स्केल यहाँ पे अगर मैं 6000 की जगह कर देता हूँ 10000, तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगा। तो स्केल का मतलब आप समझ रहे हो, स्केल का मतलब जब आप का मतलब ये नहीं होता कि हमने वैल्यू बढ़ा दिया, लोड बढ़ा दिया है। स्केल का मतलब है जो डिफॉर्मेशन शेप हम आंखों से नहीं देख पाते, हमने थोड़ा एनहेंस कर दिया उसकी स्केल को, बढ़ा दिया, वो हमें सही से दिखाई दे रहा है। अच्छा डिफॉर्मेशन शेप इस तरह से है, और उसका मतलब ये नहीं डिफॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया। आप चाहते हो ड्रॉ कंटूर, डिफॉर्मेशन में कंटूर आपका ड्रॉ हो जाए, तो देखिए यहाँ पे कंटूर आ गया है, कलर्स बताएगा जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, और आप किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो। मैंने रिजल्टेंट कर दिया, तो वो ये रहा। और आप वायर फॉर्म में चाहते हो तो वायर फॉर्म में जाएगा, और वायर फॉर्म में नहीं चाहते तो नहीं आएगा। तो ये था हमारा डिफॉर्मेशन। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, फोर्सेस की। तो उसका आइकन ये है, मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पर भी तीन ऑप्शन आ रहे हैं, केस, कॉम्बिनेशन, मोड। केस में बात करेंगे सबसे पहले एक्सियल फोर्स। ये एक्सियल फोर्स आ रहा है, एक्सियल फोर्स आपको पता होगा, एक्सियल फोर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये हमारा कोई बीम है, और या ये हमारा कोई कॉलम है,
तो अगर फोर्स उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लग रहा है, ये इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो क्या होगा आपका, एक्सियल फोर्स। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये क्या है आपका, एक्सियल फोर्स। ठीक है, यह है आपका एक्सेल फोर्स। तो हम इस फोर्स की वजह से क्या कितना एक्सेल फोर्स जनरेट हो रहा है वो देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे एक्सेल फोर्स पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये एक्सेल फोर्स आ रहा है वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा करते हैं एक कॉलम को ले लिया, कॉलम पे एक्सेल फोर्स लग रहा है, तो हमने क्या किया एक कॉलम पे राइट क्लिक किया, तो देखिए एक्सेल फोर्स लग रहा है हमारा कंप्रेशन में। एक्सेल फोर्स या तो कंप्रेशन होता है टेंशन होता है, उसकी वैल्यू है 20.0719 किलोमीटर माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं। इसके बाद है टॉर्जन, टॉर्जन कितना डेवलप हो रहा है, तो टॉर्जन ये डेवलप हो रहा है, डायग्राम देख लेते हैं, बीम में कितना हो रहा है, देखिए माइनस डायरेक्शन में हो रहा है, इतना हो रहा है 2.07। टॉर्जन भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं इस फोर्स को जो एक्सियल फोर्स लग रहा है सेंटर में यहाँ ना लगा के इस कॉर्नर पर लगाऊँ, थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊं तो क्या होगा, ये जो आपका बीम है ये ऐसे, पहले कैसे हो रहा था ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका ऐसे स्ट्रेच हो रहा था, अब ये क्या होगा कुछ ऐसे स्ट्रेच होगा ऐसे, तो इसमें टॉर्जन डेवलप हो जाएगी जब इसेंट्रिक हमारा फोर्स होता है। तो नेक्स्ट फोर्स में चलते हैं, शियर इनटू टू, तो ये शियर फोर्स डायग्राम है किसी एक का देख लेते हैं हम। ये लोडिंग डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग में डायग्राम है और ये डिफ्लेक्शन है। अगर राइट क्लिक करते हैं किसी में तो सारी चीज़ें दिखाई देता है। तो शियर फोर्स टू टू का क्या मतलब है, शियर फोर्स टू टू देखिए जो हमारा ई टैब में कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है और आपका अपवर्ड जेड होता है। जो हमारा डेड लोड अभी लगा हुआ है सेल्फ वेट, वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में माइनस जेड लगा हुआ है ना। तो अगर ये हमारा बीम है और इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगा हुआ है, तो बेंडिंग में शियर फोर्स डायग्राम भी आपका ऐसे बनेगा ऐसे। तो शियर फोर्स डायरेक्शन क्या है, हमें शियर फोर्स की Z डायरेक्शन, तो शीयर टू टू का मतलब है शीयर इन Z डायरेक्शन। तो याद कर लीजिए टू टू का मतलब है आपका Z डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट टू टू यानी कि टू टू Z डायरेक्शन मूवमेंट। तो Z डायरेक्शन में बीम में तो होगी नहीं, कॉलम में कुछ जनरेट हो रही है वो दिखा रहा है आपका। नेक्स्ट शीयर थ्री थ्री, शियर थ्री थ्री क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए जेड जेड क्या है आपका टू टू, ठीक है, और जो वाई वाई है आपका वो है आपका थ्री थ्री। अगर हम इस बीम की बात करें, इस बीम में मूवमेंट की वजह से ऐसे बैंड हो गए है ना, तो इसमें मूवमेंट ऐसे लगेगी। तो मोमेंट किसके अबाउट रोटेट हो रही है, वाई के अबाउट, तो ग्रेविटी लोड की वजह से वाई के अबाउट मोमेंट दिखाएगा, तो थ्री थ्री क्या हो गया आपका वाई। ठीक है, तो शियर फोर्स थ्री थ्री, अगर मोमेंट थ्री थ्री दिखाएंगे तो ज़्यादा दिखाएगा, देखिए आ गया मोमेंट आएगा, किसी एक पर क्लिक करके हम देख सकते हैं उसकी सारी चीज़ें। उसके बाद वो स्केल देखिए, ऑटोमेटिक स्केल अगर हमें वन कर दूं तो एक्चुअल डायग्राम दिखाई देगा जो बहुत बड़ा है, सही से हम चेक नहीं देख नहीं पाएंगे, व्यू सही नहीं होगा। तो हमने 0.03 कर दिया, अब ये सही दिखाई दे रहा है, हम चाहते हैं वैल्यू भी आए, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया वैल्यू भी आ रही है। अभी ये फ्रेम्स की बात हो रही है, लिंक पी और स्पेंडल की बात ही नहीं हो रही, जब बात करेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। तो ये थे हमारे फोर्स। एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये आइकन, ये डिफॉर्मेशन हो चुका है आपका,
मैंटेंगलमेंट हो चुका है फोर्सेस, एक ये और चाहिए रिएक्शन दिखाता है, इस पर क्लिक किया हमने कौन सी डायरेक्शन रिएक्शन, डेड लोड है डाउनवर्ड है तो जेड वाई एफ जेड की डायरेक्शन में होगा, तो देखिए सारे रिएक्शन दिखा रहा है। दोबारा क्लिक करते हैं तो रिएक्शन ये टेबलेट फॉर्म में भी दिखा देगा ऐसे। तो ये हम रिएक्शन, तो ये आपका ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया और ये हो चुका है। ये आपका सेल्स में काम करता है, तो जब सेल्स की बात आएगी हम तब बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि रिजल्ट हमने यहाँ तो देख लिए, पर हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाने के लिए टेबल फॉर्म में अगर हमें रिजल्ट लगाने हैं तो हम कैसे लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू।